छत्तीसगढ़ में कल लोकतंत्र के महापर्व में जनता अपना अहम योगदान देगी। कल पहले चरण में नक्सल प्रभावित 18 सीटों पर मतदान कराया जाएगा, जहां बस्तर की 12 सीटों पर वोटिंग होगी तो वहीं राजनांदगांव की 6 सीटों पर मतदान होगा। शांतिपूर्ण मतदान कराना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि नक्सलियों ने चुनाव बहिष्कार की धमकी दी है, इसलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। करीब 1,00,000 सुरक्षाकर्मी चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगे। छत्तीसगढ़ के लिए सोमवार का दिन काफी अहम है, क्योंकि इस दिन पहले चरण की 18 सीटों पर चुनाव लड़ रहे 190 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। 31,69,000 वोटर्स अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। जिन सीटों पर कल मतदान होगा उसमें राजनांदगांव भी शामिल है। यहां से मुख्यमंत्री रमन सिंह खुद चुनावी मैदान में है। कांग्रेस ने रमन सिंह के मुकाबले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला को उम्मीदवार बनाया है। वैसे कांग्रेस सीएम के क्षेत्र को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में मजबूत रही है। पिछले चुनाव में बस्तर में जहां कांग्रेस ने 12 में से 8 सीटें लाकर बाजी मारी थी, तो वहीं बीजेपी 4 पर सिमट कर रह गई थी। राजनांदगांव में भी कांग्रेस मजबूत थी, यहां पार्टी ने 6 में से 4 सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि बीजेपी को महज 2 सीटें ही मिली थी। तो इस बार कौन बाजी मारता है ये 11 दिसंबर को साफ हो जाएगा। लेकिन इस बार चुनाव कराना प्रशासन के लिए कड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि नक्सलियों ने चुनाव बहिष्कार की धमकी दी है। यहां तक कि दहशत फैलाने के लिए नक्सली इन क्षेत्रों में 3 बड़े हमलों को अंजाम भी दे चुके हैं। नक्सली हमले को देखते हुए प्रशासन ने 4,336 मतदान केंद्रों पर करीब 1,00,000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए हैं। इसके साथ ही चुनाव का समय भी अलग अलग रखा गया है। नक्सल प्रभावित 10 विधानसभा क्षेत्रों मोहला मानपुर, अंतागढ़, भानु प्रतापपुर, केसकाल, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। वहीं खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकूट में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तो कर लिए गए हैं, अब देखना होगा कि कल प्रशासन अपनी अग्नि परीक्षा में पास हो पाता है या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।